हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है, आज सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है, टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और गणपति बप्पा के ओरेकल में से भी 6 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करते हैं शुरू करके। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छह। कार्ड्स में पहले रख देती हूँ। पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस, यानी कि मेष राशि है, धनु राशि है और सिंह राशि है। शादी को लेके काफी कुछ सोचा जा रहा है। हो सकता है रिसेंटली ये किसी की शादी में गए थे जहाँ पे किसी से मिलना जुलना हुआ और इन्हें भी लगा कि इनकी शादी को लेके लोग काफी ज्यादा सवाल जवाब कर रहे हैं, यानी कि इन जनरल होता है ना, क्या शादी कब करने वाला है, कब करने वाली है, इस तरह की बातें शायद उन्होंने सोचा है उस बात को लेके, और इसी बात को लेके सीरियसली कुछ डिसीजन मेकिंग में भी उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, या फिर शादी को लेके हो सकता है कोई सपना देखा है जिसमें ऑब्वियसली आप शामिल थे। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं जो आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, बेटे का रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, तो हो सकता है शादी में अगर कहीं पे गए थे या फिर ये अकेले ही कहीं गए थे अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में या किसी रिलेटिव की शादी में, तो वहाँ से आने के बाद अपने घर वालों के साथ कुछ डिस्कशन किया है, थोड़ा सा फैमिली कह सकते हैं हम, एक माहौल जिसमें कुछ बातें शेयर की जाती है, ज़िंदगी को लेके, पैसों को लेके, करियर को लेके भी कुछ सोचा जाता है, उस तरह की शायद शेयरिंग इन्होंने अपने पेरेंट्स से की हो सकती है या घर में उनके अगर सिबलिंग्स है यानी कि भाई बहन वगैरह है तो उनके साथ में भी की है, तो उन बातों के ऊपर भी थोड़ा गौर कर रहे, यानी कि सीरियसली ज़िंदगी की जर्नी के बारे में सोचा जा रहा है। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे भी वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। काफी कुछ दिल में जज्बात उमड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे गार्डन के बीच में ये खड़ी है और एक बर्ड से बातें कर रहे हैं, तो मे बी आपका कोई फोटो है उनके पास जिसको देख के ये थोड़े अपने दिल के जज्बात शेयर कर रहे हैं। 9 मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स के काफी करीब है ये कार्ड, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द मे बी विद इन फ्यू वीक्स और अगले साल के आने से पहले शायद आप दोनों उस 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा पाएंगे जहाँ पे एक कपल होता है और घर के बड़े बुजुर्ग भी होते हैं उस इमेज में शामिल। जैसे यहाँ पे ये शादी का कार्ड हमने देखा पहले, तो कुछ सीरियस ये फैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कुछ सपने हैं जिनमें थोड़ा सा खोए हुए हैं। फिर है द हीरोफंट का कार्ड, ऐसा होता है कि एक वाइज पर्सन जिसका हर कोई एक सलाह मशवरा लेना पसंद करता है, वैसे ही शायद इन्होंने किसी के साथ सलाह मशवरा किया हुआ हो सकता है, ये उनके पिताजी हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, उनका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है जिसको ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, तो उसने शायद इन्हें कुछ सोल्यूशन दिया हुआ है, उन्होंने आपकी भी शायद जो साइड है वो इस पर्सन के सामने रखी, यानी कि आपकी तरफ से क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, इनकी घर से क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं और आप दोनों को साथ में आगे बढ़ना है तो क्या सोल्यूशन चाहिए, इस तरह की भी शायद कुछ बातों को लेकर डिस्कशन हुआ है, उन्हीं सोल्यूशन के ऊपर ये गौर कर रहे हैं, यानी कि अब किस तरह से उस राह पे चलना है ये सोच रहे हैं। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। प्यार का कप तो आपका ऑफर करना है लेकिन थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूजन है और उसी कन्फ्यूजन को लेके सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये वाटर साइन की है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, यानी कि आपको लेके भी ये इमोशनली सोचेंगे और साथ ही साथ अपने घर वालों को लेके भी उतना ही इमोशनली सोचेंगे, जिसकी वजह से एक वक्त पे उन्हें आगे बढ़ते वक्त ये दोनों बैलेंस ज़रूरी है ज़िंदगी में, यानी कि आपका भी सपोर्ट चाहिए और घर वालों का भी, तो शायद इसी बात को लेके कुछ सोचा जा रहा है। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस,
यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो थोड़ा सा आइसोलेट मोड में है, यानी कि सुबह का वक्त है, चाय पीते हुए सही, लेकिन कुछ सोचा जा रहा है, वो भी इमोशनल जज्बात है। अब तक की उनकी लाइफ कैसी रही, घर वालों ने कितना सपोर्ट किया, आपकी तरफ से उनको कितना प्यार मिला, ये जिंदगी किस तरह से बदल रही है, किस तरह से वो जिंदगी में अपनी ये जो लाइफ है उसकी जर्नी के बारे में कुछ डीप थिंकिंग करते हुए आपके जज्बातों में काफ़ी ज़्यादा खोए हुए हैं। तो देखते हैं अभी ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, जो गणपति गुप्ता ओरेकल में से हम लेने वाले हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच और एक छह। पहला ही कार्ड है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो सुबह का वक्त है, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन या मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। मे बी आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम सॉल्व होती अगर नज़र आ रही है इनको, तो उन्हें लग रहा है कि ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स उन्हें मिल रही है, यानी कि डिवाइन की हेल्प मिल रही है। तो थोड़ा सा सुबह की किरणें लेते हुए ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया जा रहा है, थैंक्स कहा जा रहा है अपने अपने तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ में ही लगे हो, लेकिन दो मिनट भी अगर हम यूनिवर्स को थैंक्स कह देते हैं तो वो एनर्जी वहाँ पे पहुँच जाती है। और ये थैंक्स हर कोई अपने दिल से कहना तभी पसंद करता है जब उसको ज़िंदगी में उस तरह के बदलाव महसूस होते हैं। तो वैसे ही इस पर्सन को शायद राइट नाउ थैंक्स कहने का मन है। मे बी इसके लिए सुबह की चाय लेते हुए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं अब तक की बातों के लिए, ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट है अचीवमेंट। जैसे अचीवमेंट का कार्ड हमें बताता है कि उन्होंने जो कुछ भी पाया है उसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, यानी कि एक समाधान जो कहते हैं हम कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो कुछ भी मैंने हासिल किया है। मतलब उन्हें शायद ऐसा लगता है कि कुछ बातें थी जो यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको दिक्कतें दे रही थी, लेकिन अब जो उन्होंने पा लिया है, मे बी घर वालों का सपोर्ट हो सकता है, आपका प्यार हो सकता है, करियर के कुछ छोटे मोटे गोल हो सकते हैं, तो ये सब जो उन्होंने हासिल किया है उस जर्नी के बारे में सोच के संतुष्ट होके एक सेटिस्फैक्शन का आप कह सकते हैं कि रिलैक्स मोमेंट में जी रहे हैं। और उसी बात को लेके शायद आपको याद करें कि अब मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा पर्सन मेरी ज़िंदगी में है। फिर है प्रिजर्वेंस। जैसे यहाँ पे गणपति बप्पा का दांत है तो वैसे प्रिजर्वेंस का कार्ड यही बताता है, ये जो दांत है उसने भी बहुत बड़ा काम किया था। तो वैसे ही आपके पर्सन शायद सोच रहे हैं कि जो प्यार उन्हें आपकी तरफ से मिला है, अपने घर वालों की तरफ से मिला है, उसका इन्हें मान सम्मान भी रखना चाहिए, और उस प्यार को ये अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखे हुए उन बातों को सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से और घर वालों की तरफ से कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला, जबकि हालात शायद इनके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है। फिर है सस्टेंशन। यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, मिठाइयाँ हाथ में दिखाई दे रही है। तो अब आपके पर्सन ने ये सोचा है कि अब जो सिचुएशन या अब जो फेज़ ये फेस कर रहे हैं जिसमें उन्हें सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, उसी फेज़ को ये सस्टेन करना चाहते हैं, यानी कि इसी फेज़ के साथ ज़िंदगी में कंटिन्यू आगे बढ़ना चाहते, एक सुकून भरी ज़िंदगी उन्हें चाहिए और इसमें वो कोई भी बदलाव नहीं चाहते। नेक्स्ट है ड्राइव। जैसे यहाँ पे गणपति बप्पा अपनी गाड़ी लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ज़िंदगी के सफ़र के बारे में तो सोचा ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ में भी आपको कहीं पे ड्राइव पे ले जाने के बारे में भी उनका मन है, या फिर आप दोनों अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो मे बी ड्राइव करके आपकी तरफ आने का इनका मन हो रहा है। थोड़ा सा ये स्लाइटली कार्ड चैरियट यानी कि कैंसर को भी कनेक्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे फाइनल में हमने देखा कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड ऑलरेडी आया था और फाइनल कार्ड है जेनरोसिटी। जैसे यहाँ पे छोटे से चूहे को अपनी तरफ से छोटा बहुत कुछ खाने को दे के ये जनरोसिटी गणपति पप्पा दिखा रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि उन्होंने अब तक छोटी मोटी जो मदद की है इस जर्नी में किसी को, मतलब जब भी शायद उनके फ्रेंड रहे हो, वेल विशर रहे हो, या फिर
नेबर्स भी रहे हो। किसी को भी अगर उनकी मदद की जरूरत थी तो उन्होंने अपनी तरफ से छोटी मोटी मदद की है, जिसका शायद आज उन्हें इस तरह से फल मिल रहा है कि वो काफी ज्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सुकून भरी जिंदगी मुझे ऑलमोस्ट मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं उन बातों के ऊपर भी सोच रहे, यानी कि जो अच्छे कर्म किए हैं उन्हीं कर्मों की वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें आपका प्यार भी जिंदगी में मिला है और ये घर वालों का सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी की जो गाड़ी है वो अब बिल्कुल स्मूथ चलने लगी है। और इसी बात को लेके सुकून भरी बातों के साथ कुछ सोचा जा रहा है। तो काफी अच्छा रीडिंग है, आप भी अपने पर्सन के बारे में अच्छा सोचिए। हैव अ नाइस डे।